आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड का हिंदी एनसीईआरटी पार्ट 11 टेसु राजा बीच बाजार। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब है। आपको एक स्टोरी बताई है टेसु राजा के बारे में, जो कहाँ है, मार्केट में है ना, बाजार में है। बाजार हम बोलते हैं मार्केट इंग्लिश में, ठीक है। तो वो बीच बाजार में है, अब वो कुछ सामान ले रहे हैं। अब फिर सामान के साथ साथ कई क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, तो धीरे धीरे करके एक आंटी है वो बताती है और कहती है कि मतलब फिर उनके आगे बात चलती जाती है। तो हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसु राजा कहाँ खड़े हैं, बीच बाजार में खड़े हुए क्या कर रहे हैं, अनार ले रहे हैं, ठीक है। इस अनार में कितने दाने, अब ये जो अनार है इसमें कितने दाने हैं, तो आंसर मिलता है जितने हो कंबल में खाने। कंबल मतलब ठंडियों में जो कंबल होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट उनकी रुई दिखती रहती है ना, इस तरीके से होता है। तो वही बोलें कि जितने ये खाने होंगे उतने इसमें दाने हैं। कितने हैं कंबल में खाने, अब पूछते हैं कि कंबल में कितने खाने होते हैं, तो भेड़ बला क्यों लगी बताने। और फिर बोलता है कि आखिर में बताने क्यों लग गई है ना, एक झुंड में भेड़े कितनी। अब फिर ये पूछते हैं भेड़ बला क्यों लगी बताने, कि एक झुंड में कितनी भेड़े, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। आंसर में क्या मिलता है कि एक झुंड में कितनी भेड़ होंगी, जितनी एक पेड़ पर पत्ती होगी, ठीक है। पेड़ पर जितनी भी पत्ती है उतनी भेड़ का झुंड होगा। फिर एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते होंगे, तो जितने गोपी के घर लगते, जितने गोपी के घर के होंगे लगते, गोपी के घर लगते कितने, गोपी के घर कितने लगते होंगे, कलकत्ता में कुत्ते लगते है ना, जितने कलकत्ता में कुत्ते होंगे। अब मतलब रॉक्स है ना, 20,23,000 खादाने वाला एक अनार, 20,23,000 में खाने वाला एक अनार है। टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसु राजा क्या कह रहे हैं कि दो मेरे को चार दे दो, ठीक है। तो यही थी हमारी, इसमें एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं और फिर वो क्या ले रहे हैं, अनार ले रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू।